दरवाजे के पास बदल रहा है तो ऑफ साउंड बोलते ठीक है ठीक है बोला तुम्हारी भाभी आई है चाय पिलाओ पानी पिलाओ मेहमान नवाजी कुछ होती है हमें कुछ नहीं चाहिए एक काम कर इसको जगा दे तुरंत उतना बोलोगा तो किचन में ले जाएगा आपको बाहर भी लेकर यहाँ नहीं अच्छा बेडरूम में बेडरूम में वहाँ भी नहीं बाहर चलना है चलो चलो बाहर चलना ऐसे ही ऐसे ही मेरे साथ ऐसे ही मेरे साथ ऐसे ही चलोगे हाँ मैं ब्रश भी किया मैं आता हूँ हाँ मैं बस फर्स्ट क्लास बस इधर डन ब्रश का बोल के जाऊंगा तो मुझे वो लगेगा सुबह का टाइम हां डन ये जरूरी है कि यहां पे यार जिले के पड़ेगा चलो हम लोग सो रहे थे सोए हुए थे हां देखो देखा सब सो रहे हैं लोग भाभी आई है तुम्हारी कोई चाय पिलाओ लड्डू लाओ कुछ तो करो वो चखना चखना नहीं बोलोगे अरे कोई चाय पिलाओ जाओ बस्तर काम ही नहीं दादा बैठे मस्त नहीं बैठे तो मैं ले लूंगा
Thank you.
Take four. And action. ठीक है, पहले
पहले सबसे पहले जानना चाहूंगा निहारिका आपसे, आप इस फिल्म का हिस्सा कैसे बने और आज का जो सीन पिक्चराइज कर रहे हैं उसके बारे में पूछना है। मुझे कैसे मिली ये फिल्म, वंदना जी और माशूक सर के साथ मैंने एक ऑडिशन किया और उन्होंने मुझे बताया कि कॉमेडी स्क्रिप्ट है और मुझे बहुत शौक था कि मैं एक दिन एक कॉमेडी फिल्म करूं, लेकिन मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं कृष्णा अभिषेक के साथ कॉमेडी करूंगी, नो आइडिया। और मेरे भाग्य अच्छे हैं कि मुझे ऐसे दिग्गज कलाकार के साथ कॉमेडी करने को मिला, सुपर्ब, आई एम सो हैप्पी। ओके कृष्णा, मेरा भी बहुत दिल था मैं कॉमेडी फिल्म करूँ और मेरा भी सपना पूरा हो गया। कृष्णा, जो हम बात करते हैं इंडस्ट्री कंपटीशन की, सलमान और शाहरुख को हम आमने सामने देखते हैं जी, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, यू नो। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप शुरुआत कर रहे हैं, कपिल ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे आपने कहा कि आपका सपना था एक कॉमेडी फिल्म करने का जो पूरा हो गया, कपिल का पूरा हो चुका है, अब आप करने जा रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी होंगे, व्हाट कपिल हैव डन विद इन हिज लास्ट फिल्म डायरेक्टेड अमिताभ बच्चन मस्तान है, नाउ यू कमिंग विद दिस कंपैरिजन, तो कहीं कंपैरिजन भी होगा उस बारे में क्या? कंपैरिजन तो शुरू से उतारा है हम लोगों का, जब से हम लोग कॉमेडी सर्कस करते थे, और अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी हेल्दी फाइट है। मुझे नहीं पता था कि जब वो अपना शो लेकर आएगा कि तो उसी का शो मैं ले लूँगा, तो वहाँ पर आई थिंक थोड़ी सी बातें खट्टी हो गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि बातें खट्टी नहीं हैं और हम लोग दोस्त भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल में रह जाता है। लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, कलर्स मेरे पास आए थे कि उसने शो छोड़ दिया, उसको करना नहीं है, और हम ऑलरेडी कॉमेडी नाइट्स बचाओ चला रहे थे जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। तो कंपैरिजन होता है और अच्छी बात है और हेल्दी कंपटीशन है। मैं बहुत खुश हूँ कि कपिल अपना शो लेकर आ रहा है, अभी उसका भी अगले हफ्ते ही शो लॉन्च है 23 तारीख को, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए, क्योंकि अब उसको भी बड़ी टेंशन रहेगी, क्योंकि कॉमेडी नाइट्स की भी हमारी अच्छी रेटिंग्स आती हैं और लोग देखते भी हैं, और हमें भी बहुत टेंशन रहेगी कि उसका जो शो आ रहा है अभी वो क्या लेकर आता है। तो जब हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है ना तो मज़ा बहुत आता है। हम लोगों की मारामारी होती है स्क्रिप्ट्स की, हमारी मारामारी होती है, अभी एक्टर्स की तो मारामारी रही नहीं, अभी से प्रमोशंस के लिए तो सब लोग आते हैं, तो हमें अच्छा कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट की मारामारी है। और अच्छी बात है कि टेलीविज़न से जितने लोग हैं वो सब फिल्मों में जा रहे हैं, सब फिल्में कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी फिल्म्स कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। उसने भी फिल्म की, मैंने बोल बच्चन एंटरटेनमेंट ये सारी फिल्में की थी, लेकिन फुल फ्लेज्ड जो एक प्रॉपर फिल्म है वो ये फिल्म मेरी अब रिलीज़ होगी, फुल टू जुगाड़ू, और बहुत ही अच्छी टीम मिली है, इतनी खूबसूरत डिम्पल वाली हीरोइन मिली है, और हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके भी डिम्पल पड़ते हैं, तो खूबसूरत प्रोड्यूसर भी मिले हैं अच्छे डायरेक्टर मिले हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑन ए सीरियस नोट, एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली है। जब कोंडके साहब आए थे मेरे पास स्क्रिप्ट सुनाने के लिए, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि ये फिल्म बहुत अच्छे से बनी है और कैरेक्टर बहुत सूट करता है, एकदम छपरी कैरेक्टर है, स्ट्रीट स्मार्ट बॉम्बे का लड़का है, एकदम जो एकदम जुगाड़ू है, वो बहुत सारे जुगाड़ कर लेता है, मतलब अगर उसके जेब में एक रुपया नहीं है लेकिन उसको बोलो कि 10,000 रुपये लेकर आ तो एक घंटे में कहीं ना कहीं से ले आएगा, तो ऐसे जुगाड़ करते करते ना ऐसी सिचुएशन में लोग फंस जाते हैं कि वहाँ से फिर जुगाड़ नहीं हो पाता, फिर क्या क्या होता है इन लोगों के साथ। बहुत सिचुएशनल कॉमेडी है और उसके साथ साथ हम लोग चीज़ें इम्प्रोवाइज भी करते हैं कुछ जब सीन्स करते हैं, तो मज़ा बहुत आ रहा है। ओके अभिषेक, आज के सीन के बारे में जानना चाहूँगा। आज का जो सीन है कि ये लड़के लोग सब, हम लोग जितने दोस्त लोग हैं सब लोग पार्टी कर रहे थे रात को, तो ये लोग कोई लड़की वड़की ले आते हैं घर पे, जितने दोस्त लोग हैं, तो सब ऊपर नीचे हो जाता है, वो लड़की अपनी कोई चीज़ भूल जाती है, तो हम लोग उसकी कुछ अंदर की चीज़ें हैं, समझ रहे होंगे आप, तो वो हम खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, और मैं इनको बोलता हूँ जल्दी फेंको नहीं मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है मुझे मिलने के लिए, और ये सब हम लोग ठीक ठाक कर रहे होते हैं, और इतने में निहारिका जो काव्या इनका कैरेक्टर का नाम है, काव्या आ जाती है, और फिर अब मैं घबराया हूँ कि क्या करूं, कुछ तो गलत कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, बोलती तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, मैं बोल रहा हूँ हम लोग सब सो रहे हैं, अच्छा देखो भाभी आई है, भाभी के लिए चाय लाओ, चखना लाओ, तो बोलती चखना, बोले हाँ नहीं नहीं मेरा मतलब चाय ले, तो बहुत कन्फ्यूजन वाला माहौल है, और ये बहुत गुस्से में आई है मुझसे बात करने के लिए, बस यही सीन है आज का। ओके, एक अलग फिल्म आप पहले ही कर रही हैं निहारिका, वेरियर सावित्री, हाँ जी, और अब एक अलग तरह का जोन, और जहाँ कृष्णा अभिषेक जैसे दिग्गज कॉमेडी के दिग्गज, बिल्कुल दिग्गज, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना अलग होगा ये किरदार? आज मेरा पहला दिन है, तो ये पहला एक्सपीरियंस, पहला अनुभव तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आज मैं गुस्से से कृष्णा अभिषेक के सामने मैंने अपनी एक्टिंग का एक प्रदर्शन किया है
तो ये मैं दिन कभी नहीं भूलूंगी. इट इज़ माई ऑनर एंड प्रिवलेज टू वर्क विद हिम. नो, इट्स ऑल सबका ऑनर है एक दूसरे के साथ काम करने का. सब कितना दिग्गज विग्गज पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमारी अंदर से बहुत हालत ख़राब रहती है जब भी हम स्टेज पे जाते हैं और जब भी कोई फिल्म करते हैं, जब भी कोई नई चीज़ करते हैं. तो यही है कि सब मिलजुल के अच्छा काम करें और सब एक्टर सब एक दूसरे से सीखते हैं. हम भी सीख रहे हैं और अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं सब. कॉमेडी में क्या होता है कि एक दूसरे से बहुत खेलने को मिलता है. यू ऑलवेज गेट अ चांस टू डू ग्रेट डायलॉग एंड ग्रेट रिएक्शंस. तो कॉमेडी में कॉमेडी के टाइम पे एक्टिंग सीखने को मिलती है. तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी बोल देते हैं और फिर हमारे डायरेक्टर साहब हैं जो भड़क जाते हैं और गालियाँ देते हैं और हमको कंट्रोल में करते हैं. कुंड के साहब. ओके. अभी कृष्णा आपसे एक बात और जानना चाहूँगा. फिल्म मेकिंग इज ऑलवेज अ सीरियस बिजनेस, लेकिन आज की तारीख में जब इतने कॉर्पोरेट इन्वॉल्व हो गए हैं, जब मैं रिलीज की बात करता हूँ, हाँ, कितनी स्क्रीन में फिल्म रिलीज होगी? आई नो ये सवाल आपके लिए होना नहीं चाहिए, प्रोड्यूसर से होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा और कब तक रिलीज करें. सबसे पहली बात कि इनको सामने यशराज की फिल्म नहीं मिलनी चाहिए. इतना नहीं, उसकी कहाँ यशराज की कहाँ है. लेकिन फिर भी यशराज की फिल्म ना हो सामने, ये कोई प्रॉपर डेट देखें. और बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा, क्योंकि फिल्म लोग बना तो जाते हैं लेकिन उसको ढंग से रिलीज़ करना और प्रॉपर टाइम पे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक ये और इमीडिएट होना, ये अभी 2-3 महीने के अंदर हम फिल्म कम्प्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डेटे वेटे सबकी, ये भी बाहर हैं, मैं भी बाहर हूँ, इनकी डेटों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये डेट नहीं देती हैं. तो मैं अपने पे क्यों इल्ज़ाम लूँ. तो हम लोग जल्दी फिल्म कंप्लीट करके ना एक प्रॉपर डेट जो है, प्रोड्यूसर्स बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि अच्छी स्क्रिप्ट अगर उठाई है तो फिर वो लोग प्रॉपर प्लान भी करेंगे चीज़ों को. तो उन प्रोड्यूसर्स पे भरोसा है, वो लोग प्रॉपर रिलीज़ करेंगे. और जहाँ तक प्रमोशन की बात है, कॉमेडी नाइट्स है और बचाव भी है, उस पर मैं अभी शुरू कर दूँगा. तो मैं 3-4 महीना वैसे ही प्रमोशन दे दूँगा और फिर बाद में सभी लोग प्रमोशन करेंगे. ये अपने शोज पे करेंगे, हम अपने शोज पे करेंगे. ओके, द सेकंड लास्ट वन क्वेश्चन है ना, बिफोर आई आस्क यू द लास्ट वन, जी, टू कृष्णा जी. जैसे आपने कृष्णा भी जिक्र किया कि कपिल गए और आप शो का हिस्सा बने क्योंकि कलर्स आपके पास गए, जी. अब आप क्योंकि मेकर्स आपके पास आए, आपको अच्छा लगा, आप फिल्म का हिस्सा बन गए, बिल्कुल सोलो हीरो फिल्म करने जा रहे हैं, जी जी, कहीं बातें फिर खट्टी ना हो जाए, अरे यार अभिषेक तूने फिल्म भी कर ली. नहीं, एक्चुअली खट्टी ऐसा तो नहीं होगा, वो भी इतनी भी राइवलरी नहीं है हम लोगों के बीच में. हम लोग एक दूसरे काम से बहुत खुश होते हैं. और आई थिंक कपिल ने तो फिल्म बाद में की थी, मैंने बोल बच्चन, हाँ ये भले पहली है लेकिन उससे पहले मैं कर चुका था. तो खट्टी नहीं होगी, अच्छी बात है. मैं उसको बुलाऊंगा जब इसका प्रीमियर होगा, तो वो आएगा ज़रूर फिल्म देखने के लिए. पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन आएगा. मैं कोशिश तो करूँगा, आना ज़रूर. लेकिन अच्छा, उसने मुझे अपने शो पर बुलाया. मैं आप लोगों को बताऊँ, उसका जो नया शो आ रहा है उसमें वो फैमिलीज़ के साथ शो कर रहा है. वो जितने एक्टर्स हैं उन सबकी फैमिली को भी बुला रहा है शो पे. तो मुझे और गोविंदा जी को भी इनवाइट किया है. तो मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं कि उसके शो पे नहीं जाऊंगा मैं. तो अच्छा, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए. मैं चाहता हूँ कि उसका शो भी चले और मेरा शो भी ज़्यादा चले. ओके, द लास्ट वन, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म व्हेन इट गेट रिलीज्ड? क्योंकि आपको, जैसे आप हमारे शोज़ देखते हैं और एक घंटा हंसते हैं घर पे, इंजॉय करते हैं हर सैटरडे और संडे को, ऐसे ही थिएटर में आइए और 2 घंटा दिमाग घर पे रख के आइए, पॉपकॉर्न खाइए और चखना खाइए और 2 घंटा हंसिए और इंजॉय करिए पिक्चर को. बिल्कुल, फुल एंटरटेनमेंट है, मसालेदार है और बहुत बहुत मज़ा आएगा आपको ये फिल्म देख कर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा स्टार की कास्टिंग और इस फिल्म का जन्म जी कब, कैसे, किस, हाउ द होल प्रोजेक्ट हैपेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस स्टोरी के बारे में सोचे थे फुल टू जुगाड़ू. सबसे पहले तो मुझे एक ही चेहरा नज़र आ रहा था, कृष्णा. ये 2 साल पहले हमने इस स्टोरी को जो है ना क्रिएशन स्टार्ट किया था. पूरी स्क्रिप्ट लेके मेरे प्रोड्यूसर के पास गया, प्रोड्यूसर साहब को सुनाया, बहुत एक्साइटेड है. और कृष्णा के बारे में मैंने बताया, सर मैं चाहता हूँ कि कृष्णा अभिषेक का साथ ही फिल्म करनी है और ये जस्टिफाई कर पाएगा. और उसी को लिखे मैंने स्क्रिप्ट लिखा है और लिखवाया है. तो उन्होंने कहा कृष्णा यार थोड़ा सा वेट करते हैं और थोड़ा स्क्रिप्ट में पॉलिश करते हैं. मना नहीं किया उसने, थोड़ा स्क्रिप्ट में पॉलिश करते हैं. करते 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 नहीं, 6 महीने के बाद साल लगा, साल के बाद 1.5 साल, फिर 2 साल के बाद एक टाइम मेरा जो है ना खुश नसीब है, कृष्णा अच्छे अच्छे शोज कर रहा है. देन अगेन मैंने प्रोड्यूसर के पास गया कि सर अब मुझे कृष्णा का साथी फिल्म करनी है, अब बताओ आप क्या बोलते हो. अरे यार आपको पैसा दे चुका है, सारा चीज़ हो चुका है, स्क्रिप्ट लॉक हो चुका है,
ठीक है एक बार कृष्णा को सुना के आ जाओ। फिर हम गए थे JW मैरिड में, आ गए, फिर रोल सुनाया, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बोला कि यार माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट है और बढ़िया है, हम करते हैं। देन वी स्टार्टेड, ये इस तरीके से निहारिका का किस्सा ऐसा है कि मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने एक आर्टिकल देखा था, उसने बोला था ये लड़की है, अब रिसेंटली एक फिल्म की है वॉरियर सावित्री बोल के, और अच्छी है और अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी लड़की है, तो एक बार ट्राई कर लीजिए सर, आप एक बार ऑडिशन देख लीजिए। देन ए कॉल टू द ऑफिस एंड वो आ गई, आने के बाद में जो ना ऑडिशन लिया गया, ऑडिशन लेने के बाद में फिर मुझे लगा था यार थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट डे मैंने बुलाया, मैं बोला जी इस तरीके से मुझे सीन चाहिए, आपका डिक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये है वो है। फिर मैंने उसका उसके बाद फिर मैंने एक हफ्ता 10 दिन जो है ना उसको टाइम लिया, भाई बोला इस तरीके से करके आओ, देन आई डिसाइडेड ओके आई विल गो विद द निहारिका। सो इस तरीके आपसे भी पूछ रहा हूँ, यकीनन होगा क्योंकि जी कृष्णा अभिषेक कपिल ऑलरेडी अब्बास खान के साथ जी 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 कॉमेडी थी, जी जी भी कॉमेडी जी जी जी, उस कंपैरिजन को आप किस तरह से देखते हैं, क्या आपके जहन में ये बात है कि कंपैरिजन जरूर होगा? देखिए एक एक अपना अपना जॉनर्स होते हैं, अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना प्रेजेंटेशन होता है, वो अपने लेवल पर बढ़िया फिल्म किया और हम हमारे लेवल पर बहुत बढ़िया कर रहा है, हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, दिस इज़ अ डिफरेंट मैटर, वो उनका फिल्म एक अलग है, हमारी फिल्म एक फुलटू जुगाड़ू है। इसमें जो है ना कृष्णा जो है ना, मैं रियली बता रहा हूँ कि ये रोल लिखा गया कृष्णा के लिए, उसका बिहेवियर को देख के, उसका बॉडी लैंग्वेज को देख के, उसका जो टाइमिंग को देख के, और मैं नहीं समझता हूँ कि कृष्णा के अलावा दूसरा कोई जो है ना इस रोल को जस्टिफाई कर पाएगा, एंड आई एम डैम श्योर पब्लिक कैन लाइक एंड दे कैन क्लैप इन द थिएटर। ओके, मैंने कृष्णा से ही पूछा था, आपसे पूछ रहा हूँ जी, आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, या यू नो फिल्म की रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या कोई स्टूडियो ऑन बोर्ड लेने की प्लानिंग है या ऐसा कुछ, वायोकॉम या फॉक्स, यू नो देयर सो मेनी स्टूडियोस, जब रिलीज की बात करते हैं तो रिलीज बहुत प्रॉब्लम होती है, आई सीन पीपल हु आर यू नो या या ट्रू ट्रू मोनोपोली चलती है, सिंगल थिएटर मल्टीप्लेक्स नहीं मिलते हैं, ट्रू 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 जी, उतना तो मतलब थिएटर नहीं मिलने की बात तो नहीं आ पाएगी, और सेकेंडरी जो है ना उतना लेवल पे है ही नहीं है, सो सिंस वी आर प्लानिंग फॉर दिस मूवी लास्ट 2 इयर्स, 2 साल से हम कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उसका पीछे कुछ तो भी होगा, सो नाउअडेज़ इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू रिलीज़ द मूवीज़, सो हमने पहले ही जो है ना बैकग्राउंड बना लिया था, किस तरीके से रिलीज़ करनी, क्या करनी है, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द आप लोग के सामने जो ना अनाउंसमेंट आ जाएगी, कौन आ रहा है, कौन इस फिल्म को रिलीज़ करने जा रहा है, सो अभी तो मतलब बातें चल रही है, वो अभी मैं बताना उचित नहीं होगा, बट 110% समवन इज कमिंग टू रिलीज इन बिग लेवल, दैट आई एम एश्योर। थैंक यू सो मच। You know, whatever we have seen just right now at the moment, it's very appealing, it's very entertaining. Film making is always a serious business, I won't ask. My very first question is, how this, you know, how you planned this film, how this film happened to you, how you came on board? Yes, we want to produce it. Okay, so what happened is like, I'll speak more in Hindi, better. Hamare paas Ashok ji aaye the, script leke. तो हम उस समय स्क्रिप्ट्स को गो थ्रू कर रहे थे, अराउंड 50 स्क्रिप्ट्स वी हैव गॉन थ्रू एंड वी डिडंट फाइंड एनीथिंग प्रॉपर, लाइक इट डिडंट अपील अस, सो व्हेन ही केम विद द स्क्रिप्ट एंड द कॉन्सेप्ट एंड इन वन गो वी लाइक्ड इट एंड वी वांटेड टू गो अहेड विद कॉमेडी जॉनर बिकॉज दिस इज़ वन सेफ साइड टू प्ले विद बिजनेस वाइज, सो जब ये लेके आए तो हमें काफ़ी अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, कंटेंट बहुत अच्छा लगा, दो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इसे बहुत डेवलप किया है विद अ टीम, सारी टीम ने मिलके, क्योंकि हर चीज़ टीम का एफर्ट होता है, तो हमने इसको डेवलप किया एंड नाउ इट हैज़ टर्न आउट टू बी वेरी मसालेदार कॉमेडी, मतलब ऐसी चीज़ टर्न आउट हुई है जो रियली जब लोग थिएटर में जाएंगे तो वहाँ 2 घंटे तक हंसते हंसते ही बाहर आएंगे, तो वी वॉन्टेड समथिंग लाइक दैट, द कंटेंट वी वॉन्टेड इज लाइक समथिंग पीपल डोंट नीड टू अप्लाई देयर ब्रेन्स। ओके सर, आपसे जाना चाहूँगा, कृष्ण अभिषेक की हम बात करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत जाना पहचाना माना चेहरा है जी, छोटे पर्दे की बात कर लें, हम बड़े पर्दे की बात कर लें, बहुत सी फिल्में भी उन्होंने की हैं, बोलो चंद भी देख लीजिए कई, यू नो वंस कृष्णा अभिषेक इज ऑन बोर्ड, डू यू थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमेडी हाफ द बैटल इज वॉन, एक आधी जंग जीती जा चुकी है जब आपके पास कृष्णा अभिषेक आपके साथ? डेफिनेटली अब कृष्णा आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है हम जंग जीत चुके हैं, एंड कृष्णा आज के डेट में हॉट केक है,
फिल्म तो ऐसे निकल जाएगी। सो जब हमने एक्चुअली जब हमने इस फिल्म को सोचा था, हमने हीरो की बात सोची थी, तो हमारे जहन में कृष्णा अभिषेक ही थे। तो जो डेवलपमेंट हुआ है स्क्रिप्ट का, वो कृष्णा अभिषेक को लेकर ही हुआ है। सो यस, यू आर वेरी राइट दैट वी हैव वन हाफ द बैटल। हाफ द बैटल द बिजनेस पोजिशनिंग एंड मार्केटिंग एंड हु इज गोइंग टू टेक द मार्केटिंग पार्ट विल विन द बैटल। Yes, we are in talks with studios, but right now nothing can be revealed about it. You know it. So when the things are finalized, definitely one thing we can assure is that it's going to be big. Okay, when you plan to release the film? See, we are planning. Tentative planning is in October. So that's it. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू मैं सर सब दिन होता हूँ, मैं बोतलें भी खाता हूँ। आपने खाई थी?